हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं दोबारा आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करूंगा एंड दैट इज बादशाह। तो बादशाह को लेकर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है जिसमें बात करी जा रही है कि उनके व्यूज, उनके फॉलोअर्स एंड जितने भी लाइक्स हैं वो सब फेक है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने दावा करा है कि बादशाह जो है वो पे करते हैं अनदर कंपनीज को टू इंक्रीज हिज लाइक्स, फॉलोअर्स एंड व्यूज। तो यार ये बहुत बड़ी बात है बादशाह को लेकर कि मतलब उनपे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है थ्रू मुंबई पुलिस। तो ये सारी बातों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट जरा भी पसंद आ रहा है तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबा के सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज़ इट्स मोटिवेट मी और ये बिल्कुल फ्री है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले पागल सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग को लेकर बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग पर एक दिन पे 75 मिलियन व्यूज आए थे जो कि टोटली फेक और एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर खरीदे गए थे। हालांकि बाद में इस दावे को YouTube और Google की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने खारिज कर दिया था। तो अभी की बात करें तो फेक फॉलोअर्स का मुद्दा उठा भूमि त्रिवेदी जी की वजह से, जो कि एक सिंगर है। तो उन्होंने बेसिकली मुंबई पुलिस को जाके ये चीज़ें बताई कि उनके नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन चुके हैं, तो जिस पे जल्द से जल्द एक्शन ले मुंबई पुलिस, और एक्शन हुआ भी। और फेक अकाउंट्स के साथ में निकल के आए फेक फॉलोइंग एंड व्यूज़। इस लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के नाम आए हैं जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण एंड इवन बादशाह टू। तो ये चीज़ निकल के आई। बाकी बादशाह को फिर इंटेरोगेशन के लिए भी बुलाया गया और उनसे पूछा गया, उनसे सवाल जवाब हुए। तो मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अपने मुँह से खुद कबूला है कि उन्होंने एक कंपनी को 72 लाख रुपए दिए थे और वो भी 18% इंटरेस्ट के साथ। वहीं दूसरी तरफ बादशाह ने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने बताया कि समन के बाद मैंने मुंबई पुलिस से बात की, उनकी जांच में सहयोग किया, मैंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और ये साफ किया है कि इस तरह की किसी भी गतिविधियों में मेरा कोई हाथ नहीं है। इस मामले की जांच कर रही अथॉरिटी टीम पर मुझे पूरा भरोसा है। जिन लोगों ने मेरे प्रति चिंता जताई है उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो यार देखो, ये सारी चीज एक अलग साइड पे है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनको इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी हेट मिलने लगी है। और जबकि इसका कोई कंक्लूजन ऐसा निकलता मुझे दिखाई नहीं दिया है कि जहाँ पे बादशाह ने खुद अपने मुंह से बोला है। एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि ये इन्होंने बोला है, वो कह रहे नहीं बोला है। तो लिटरली में बात आ ही जाएगी आगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस सारे बंदे पहले कमेंट्स में हेट करने लगे हैं, मतलब अब्यूजिव वर्ड्स एंड उल्टा सीधा एंड ऑल दैट बेसिकली। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है मेरे हिसाब से। और बाकी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग काफ़ी लोग सतर्क हो चुके हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। अब आई डोंट नो बादशाह इंक्लूडेड है और एक्सक्लूडेड है, बिकॉज मैं अंतर्यामी न्यू इन सिंपल वर्ड्स। अब देखना ये है कि आगे क्या स्टेप होता है सब लोगों का। तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से पता चल गई हो कि बेसिकली ये फेक व्यूज एंड फॉलोअर्स का क्या रोल है इन सब चीज़ों में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।